और यहाँ और 10 से 12 साल हुआ है बागलनाथ बाबा और मंगल सिंह महाराज के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कार्यक्रमों को इतना ज्ञान बुद्धि बढ़ के ये राष्ट्र के लोगों को ज्ञान बुद्धि बढ़ के बहुत आनंद हो रहा है सब। ऐसे ही कार्यक्रम ऐसा मंगल सिंह महाराज और अपने बागलनाथ बाबा के नेतृत्व में चल के ज्ञान बुद्धि बढ़ा के ये राष्ट्र के लोगों को कृपा वर्षा करना बोल के हमारा बहुत मानते है। यहाँ वर्ष में एक बार 7 दिनों का सप्ताह होता है और इस सप्ताह में क्या बोलते हैं 40 गांव के लोग यहाँ आते हैं। आइए अब हम आपको आगे की जानकारी देते हैं, यहाँ के सरपंच व गणमान्य लोगों से मिलवाते हैं और कालू बाबा की वास्तविक हकीकत क्या है इसे आपको रूबरू करवाते हैं। अखिल भारत श्री गुरुदेव सहमंडल जिला कार्यालय मोगांव खुर्द मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से आए हुए बागलनाथ बाबा जो कि एक कर्मयोगी हैं और इन्होंने अपना जीवन तपस्या में ही बिताया है और ये तेलंगाना में आकर के इस छोटे से गांव में इन्होंने जो धर्म का प्रचार किया है ये वाकई में काबिले तारीफ है। मैं बाबा जी से पूछता हूँ, बाबा जी आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? यहाँ आने को मेरे को करीबन 10-12 साल होते हैं। मैं इस एरिया में आकर के इन लोगों से मिलकर के मैं अपने देश में जाते रहा आते रहा, ठीक, और इनके बीच में रह के भजन भाव करके धर्म की जागृति के लिए ग्राम ग्राम में जाना, भजन करना, कहीं पे सप्ताह लगता था वहाँ जाके धर्म का प्रचार करना है, यही मेरे कर्म रहे और यहाँ तक ये मेरा कर्म आज सीमित है। जैसे आप यहाँ आने के पहले यहाँ पर क्या परिस्थिति थी, लोगों की, लोग यहाँ क्या सोचते थे, किस प्रकार से रहते, इसके बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ जब मैं अचानक हमारे कुछ सेवकों के साथ में आया तो यहाँ छोटी छोटी तीन थर बूढ़ी थी जिसका आकार बहुत छोटा था। मैं जब वहाँ आया यहाँ दर्शन करने के लिए मैंने अपने सेवकों से बोला कि क्यों नहीं यहाँ पर हम एक रात रुक करके अपना जागरण कर लेंगे। हमारे यहाँ के कुछ सेवक जिनका नाम करण सिंह जी है, हमारे बाल सिंह जी है, जयपाल जी है, उसी प्रकार से राजाराम टांडे से हाँ बंसी लाल जी है और यही मुर्गी टांडे से हमारे साथ में जो गुरु जी थे वो भी हमारे साथ रहते थे। हम इतने लोग रह करके यहाँ पे रात का जागरण अमावस का दिन करते थे। धन्यवाद। और साथ में हमारे को देखने के लिए हमारे इस 40 गांव के महंत जो थे वो यहाँ पीटा अधिकारी वो यहाँ पर आकर हमको सहयोग देते। क्या जानते हैं सर कालू बाबा के बारे में? अब हमारा भगवान है। अच्छा, आपके भगवान है। तो ये कार्यक्रम हमेशा ऐसे ही होता है यहाँ पर, हर दिन कार्यक्रम होता है। आगे और जनता मंदिर के लिए और हमारा मथुरा समाज के लिए और ये हमारा मेन टेम्पल है हमारे, ये हमारा ये समाज है जी, ये तेलंगाना में हमारा ये हमारा मथुरा समाज यही है जी, ये निजामाबाद और ये आदिलाबाद, ये दो डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये हमारा मेन जुड़िया इसको डेवलप यूनिटी का हो गया और थोड़ा डेवलप करना है। धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के। तो ये थे तेलंगाना के एक छोटे से गाँव का छोटा सा दृश्य, पंचायती राज मीडिया के द्वारा हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। आज भी धर्म कम नहीं है, भक्त कमी है, धर्म को मानने वालों के लोग आज भी आस्तिक लोगों की कमी नहीं है, आज भी भगवान के प्रति लोगों का वही प्रेम है। पंचायती राज न्यूज से मैं राजेश डोगरे।